नमस्कार दोस्तों, चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 64e-Auction के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे कि वो कौन से चैनल है जो 64e-Auction में पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि दोस्तों 64e-Auction MPG4 बॉक्स के लिए और सिर्फ एक स्लॉट के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ दोस्तों वो कौन सा चैनल है जो स्लॉट जीता है और 1 दिसंबर से डीडे फ्रीडीज पर और MPG4 बॉक्स में ऐड होने वाला है। तो दोस्तों पूरी जानकारी पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आप सभी लोगों को डीडे फ्रीडीज से जुड़ी हुई अपडेट सबसे पहले हमारे वीडियो के द्वारा मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 64e-Auction MPG4 बॉक्स के लिए और सिर्फ एक स्लॉट के लिए किया जा रहा है। और दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने बताया भी था कि 23 नवंबर को शाम को 3 बजे तक जो भी चैनल पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। और दोस्तों खबरें ये आ रही थी कि 64e-Auction में बी फ्लेक्स चैनल का बहुत ज़्यादा चांस था कि बी फ्लेक्स चैनल ने अपना फॉर्म सबमिट किया है और 64e-Auction में स्लॉट जीतकर MPG4 बॉक्स में ऐड हो सकता है। और दोस्तों अब बात कर लेते हैं 64e-Auction के रिजल्ट की प्रसार भारती ने ऑफिशियल क्या अपडेट दिया है, क्या रिजल्ट घोषित किया है कि कौन सा चैनल स्लॉट जीता है और 1 दिसंबर से MPG4 बॉक्स में ऐड होने वाला है। तो दोस्तों 24 नवंबर के दिन 64e-Auction किया गया था और आज है 28 तारीख और प्रसार भारती की तरफ से अभी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें 63e-Auction की जो MPG2 बॉक्स के लिए किया गया था और 18 नवंबर के दिन वो किया गया था, 18 नवंबर के शाम को ही अपडेट मिल गया था, सूत्रों के द्वारा खबर मिल गया था कि सोनी पल चैनल और कलर रिश्ते चैनल ने स्लॉट जीत लिया है। और दोस्तों यहाँ पे अब बात करते हैं MPG4 बॉक्स का कि प्रसार भारती ने अभी तक रिजल्ट की घोषणा क्यों नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, 4 दिन लगभग हो गए हैं और 4 दिन में प्रसार भारती को अभी तक रिजल्ट की घोषणा कर देना था कि वो कौन सा चैनल जो स्लॉट जीता है, लेकिन दोस्तों अभी तक ऑफिशियल कोई भी अपडेट नहीं आया है प्रसार भारती की तरफ से कि किस चैनल ने स्लॉट जीता है। और दोस्तों वहीं पर अगर हम सूत्रों की माने तो हमारे जो सूत्र हैं, सूत्रों के हवाले से जो हमारे सोर्सेज हैं उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि 64e-Auction के लिए किसी भी चैनल ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। जी हाँ दोस्तों, 64e-Auction में बीफ्लेक्स चैनल ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। सो दोस्तों अगर 64e-Auction में किसी चैनल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, किसी ने अपना फॉर्म ही सबमिट नहीं किया, तो दोस्तों कोई चैनल स्लॉट कैसे जीत सकता है। इसलिए दोस्तों प्रसार भारती ने अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं अनाउंसमेंट किया, कोई भी घोषणा नहीं किया कि किस चैनल ने स्लॉट जीता है। तो दोस्तों जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है ये यही आ रही है कि 64e-Auction हुआ ही नहीं है। प्रसार भारती ने 64e-Auction के लिए चैनलों से फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा था, लेकिन MPG4 बॉक्स के लिए किसी भी चैनल ने अपनी इच्छा नहीं जताई। कोई भी चैनल MPG4 बॉक्स में नहीं जाना चाहता है, क्योंकि दोस्तों MPG4 बॉक्स में कोई भी अच्छा चैनल नहीं जाएगा। वहाँ पे जितने भी चैनल होते हैं वो किसी काम के नहीं होते हैं और बहुत ही घटिया किस्म के चैनल होते हैं, कोई भी उनको पसंद नहीं करता है। इसी कारण दोस्तों कोई भी चैनल MPG4 बॉक्स के 64e-Auction में ना ही फॉर्म सबमिट किया ना ही पार्टिसिपेट किया। और जब किसी चैनल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो दोस्तों कोई चैनल स्लॉट कैसे जीत सकता है। सो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।